हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे। यह पार्ट वन है, इसमें हम 14 करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। पिछली क्लास में हमने करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इम्पोर्टेंट इंडेक्स पढ़ाया था। वो उसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो आप वो भी क्लास देख लें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है पलामू, इसी का दूसरा नाम है बेतला अभयारण्य, जो कि झारखंड में है। पलामू अभयारण्य कहाँ पर है? झारखंड में। इसकी ट्रैक है पल, नहीं पल से मतलब फल। पल से आपको क्या रिलेट करना है? फल। और फल कहाँ पर उगते हैं? झाड़ियों में, जो बहुत बड़ी जंगल होती हैं उनमें छोटे छोटे फल झाड़ियों में भी उगते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि जो फल मतलब फल, और फल कहाँ पे उगते हैं? झाड़ियों में, झाड़ियों से झारखंड। इसी का दूसरा नाम है बेतला, एक शब्द है इसमें बेंत। बेंत बोलते हैं, आपने कुलाड़ी देखी होगी, जो कुलाड़ी को पकड़ने वाला डंडा होता है उसको हम बेंत बोलते हैं। तो वो बेंत कैसे बनेगा? झाड़ी में से कोई लकड़ी लाए उस टाइप से, तो बैंत भी बनेगा झाड़ी से। तो बैंत और पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। दूसरा है दालमा अभ्यारण, दालमा वन्य जीव अभ्यारण। देखिए वन राशन जीव अभ्यारण, तो वन्य जीव अभ्यारण यह कहाँ पे है? झारखंड में। दालमा से अपन को पार लेना है दाल। दाल यदि दाल में अपन पत्ती डाल दें, धनिया पत्ती सब कोई डाल देता है, तो दाल में यदि अपन पत्ती डालते हैं तो वो क्या है? एक झाड़ी ही है। पत्ती को मतलब छोटा छोटा अगर ना करें तो वो एक झाड़ी टाइप की रहती है। तो दाल में क्या है? अपन झाड़ी डालते हैं, तो दाल में झाड़ी डालते हैं, तो दालमा अभयारण्य झारखंड में। दूसरा, तीसरा है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य भी फ्रेंड्स झारखंड में है। इसको याद करने की ट्रिक है, इसमें खुद देखिए हजारी बाग है। अब कोई भी बाग हो उसमें झाड़ी जरूर होगी, तो हजारी बाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? झारखंड में। चौथा है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार। देखिए इसको कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार में। कैमूर को क्या करना है? कमर, यहाँ पे है हार। तो कमर के दर्द से वह हार गया है, कमर के दर्द से वह हार गया है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। इस तरीके से आपको याद रखना है, कैमूर को कमर करना है, कमर के दर्द से वह हार गया है, मतलब उसका कमर दर्द बहुत कमर दर्द करती है इसलिए वो हार गया है। नल सरोवर अभयारण्य यह गुजरात। नल सरोवर ऐसी एक प्रथा है जो नल है और सरोवर, मतलब नल के पानी सरोवर का पानी रात में नहीं लेना चाहिए, मतलब नल से पानी और सरोवर से पानी रात में नहीं लेना चाहिए, इसलिए नल सरोवर अभयारण्य हो जाएगा गुजरात। छठवां है चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा से हम चंद्र से देखना है चंद्रमा, तो चंद्रमा को सभी प्रेमी क्या करते हैं? प्रेमिका को देने के लिए उतारने की कोशिश करते हैं, हम तुम्हारे कदमों में चंद्रमा रख देंगे। तो चंद्रमा को प्रेमी क्या कर रहा है? उतार रहा है, मतलब नीचे ला रहा है, उतार रहा है, उतारने की कोशिश कर रहा है। तो चंद्र से चंद्रमा को उतार रहा, उतार से उत्तर प्रदेश। तो चंद्रप्रभा अभियान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ अभयारण्य, रणथंबोर अभयारण्य और घाना पक्षी विहार अभयारण्य। तीनों कहाँ पर हैं? राजस्थान में। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। रणथंबोर और घाना पक्षी विहार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से ट्रैक समझ लेनी है। इन सबको हम एक ही ट्रैक से रिलेट करेंगे। जैसे कुंभ मतलब एक शहर का नाम है, तो कुंभ के रण में
रण मतलब युद्ध के मैदान, तो कुंभ के रण में घन, घन जो होता है बहुत, जो छोटी वाली हथौड़ी होती है उसके बड़े, जो बड़ा वाला हथौड़ा होता है उसको हम घन बोलते हैं। तो कुंभ के घन, घन कुंभ के घन, कुंभ के रण में घन से राजा ने पीटा, राजस्थान से राजा ने पीटा। तो कुंभ के रण में घन से, घन से एक सेंटेंस भी लिख रहे हैं हम, कुंभ के रण में घन से राजा ने पीटा। इस तरीके से याद हो जाएगा तीनों का, कुंभलगढ़, रणथंबोर, उघाना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में। तीनों ब्रांड्स बहुत आते हैं इसलिए हमने एक से ट्रिप बनाई है, मतलब अलग अलग राजस्थान नाम याद करना पड़े। तो कुंभलगढ़, रणथंबोर, उघाना पक्षी विहार राजस्थान में है। कुंभलगढ़ के रण में घन से राजा ने पीटा। दूसरा है कावला वन्य जीव अभ्यारण्य और पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों कहाँ पर है, तेलंगाना। इसको भी हम वैसे याद रखेंगे, काबला को बनाएंगे कवाली, मतलब जो कव्वाली होती है मुसलमान समाज में कवाली, कवाली कौन गा रहा है, पाखाल से मतलब पागल, तो कवाली पागल गा रहा है, गा से गाना मतलब तेलंगाना, गा रहा है क्या गा रहा है, मतलब गाना गा रहा है, तो कवाली पागल गा रहा है। तो कावला वन्यजीव अभ्यारण, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण कहाँ पर है, तेलंगाना में जी। दूसरा है भद्रा अभ्यारण कर्नाटक में। देखिए आपने एक शब्द सुना होगा अभद्र, अभद्र मतलब दुर्व्यवहार, तो जी है भद्र, भद्र अभ्यारण कहाँ पर, कर्नाटक में। भद्र तरीके से उसने नाटक किया, भद्र तरीके से नाटक किया मतलब उसने बहुत ही अच्छे से नाटक किया। इसमें भी ये है, इसमें भी भद्र शब्द है, इसको भी उसी तरीके से रिलेट कर लेंगे, भद्र तरीके से उसने नाटक किया, यह भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है सोमेश्वर अभ्यारण, ये भी कर्नाटक में है। इसको याद करने की ट्रिक है, सोमेश्वर को बनाएंगे अपन स्वयं, स्वयं ईश्वर, इसमें छुपा भी है, तो जो अपने आप को स्वयं ईश्वर समझता हो वो बहुत क्या करेगा, नाटक करेगा, किसी को परेशान करना, किसी की चीज ना देना, दबाव डालना, तो वो बहुत सारे समाज में क्या करेगा, नाटक करेगा। तो सोमेश्वर अभ्यारण, जो स्वयं को जो ईश्वर समझे वो क्या करेगा, नाटक करेगा। फ्रेंड्स यह हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, आपने देखा है कि हमने सारे जो है ट्रैक से पढ़े हुए हैं, आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप एक दो बार क्लास देख लेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें और समझ लें, और जिस वर्ड में जैसे हमने अंडरलाइन किया है वैसे ही आप कर लें, क्योंकि आपको वर्ड का फिर याद रहेगा कि हमने इस शब्द से ट्रिक बनाई थी। यदि फ्रेंड्स क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।